चेयरमैन पीटीआई का बयानिया मुकम्मल झूठ था। कौमी सलामती कमेटी के दोनों इजलासों में वाजे किया गया, कोई साजिश नहीं हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अगर अमरीकी साजिश से हुकूमत आई होती तो हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था। निगरान वजीर आजम कौन होगा, फैसला ना हो सका। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान निगरान वजीर आजम के नाम पर मुशावरत, पहली मुलाकात बेनतीजा रही, कल एक और निशिस्त होगी। केपी काबीना को फारिग करने का फैसला, 19 अराकीन इस्तीफे वजीर आला के पास जमा करवा दिए। हुकूमती टीम के दीगर अराकीन अपने इस्तीफे जल्द जमा कराएंगे। सिंध असेंबली की रुखसती का ड्राफ्ट भी तैयार, कल तहलील कर दी जाएगी। मुर्तजा वहाब कहते हैं, असेंबली की आइनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी, मगर वक्त से पहले तहलील करने का फैसला कर लिया है। और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट केस का फैसला कल दिन 11 बजे सुनाया जाएगा। 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को फैसला महफूज किया था।